नेक्स्ट है डेटा फॉर्मेट वैलिडेशन. ओके, बेसिक फॉर्म वैलिडेशन के बाद हम लोग डेटा फॉर्मेट वैलिडेशन भी कर सकते हैं. डेटा फॉर्मेट वैलिडेशन में डेटा को हम पहले वैलिडेट करते हैं, उसका फॉर्मेट चेक करते हैं, उसके बाद ही फॉर्म सर्वर पर सबमिट होता है. ओके, एक एग्जांपल लेते हैं, लाइक ईमेल एड्रेस वैलिडेशन. तो हम लोग ईमेल एड्रेस को भी वैलिडेट कर सकते हैं, जैसे कि ईमेल एड्रेस में एट द रेट और डॉट कैरेक्टर कंपल्सरी है. इसके अलावा भी हम लोग हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ईमेल को वैलिडेशन कर सकते हैं, राइट. जैसे कि हम लोग ले सकते हैं कि एट द रेट के बाद एटलीस्ट एक कैरेक्टर होना चाहिए, ओके, और डॉट के बाद एटलीस्ट दो कैरेक्टर्स होने चाहिए. ओके, सो एक प्रॉपर ईमेल एड्रेस का जो फॉर्मेट होता है उसके लिए हम लोग ईमेल को वैलिडेट भी कर सकते हैं. सो यहाँ पर देखिए, हम लोग एक एग्जांपल लेके समझेंगे कि डेटा वैलिडेशन कैसे यूज़ होता है. ओके, सो हम लोग ईमेल को वैलिडेट करते हैं तो एक बेसिक फॉर्म बनाएंगे जिसमें हमने नेम फील्ड रखी है और ईमेल फील्ड रखी है. ओके, ईमेल को हम लोग चेक करेंगे कि उसमें एट द रेट और डॉट होना चाहिए. ओके, एट द रेट के बाद एक कैरेक्टर कंपल्सरी है और डॉट के बाद दो कैरेक्टर्स कंपल्सरी. सो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर स्क्रिप्ट टैग में अगेन हम एक फंक्शन बनाएंगे. ओके, उस फंक्शन में हम लोग चेक करेंगे कि एट द रेट पोजिशन, ओके, कौन से इंडेक्स पे है. तो हम एक वेरिएबल लिया है और उस फॉर्म की वैल्यू मीन्स जो भी ईमेल एड्रेस है उसका इंडेक्स ऑफ एट द रेट फाइंड करते हैं, मीन्स एट द रेट जहाँ पर भी है उसका इंडेक्स हम फाइंड करेंगे. ओके, अगेन सेम वे हम लोग डॉट का इंडेक्स फाइंड करते हैं, राइट. और उसके बाद हम लोग चेक करेंगे कि एट पोजिशन, ओके, जहाँ पर भी वो उस पोजीशन पे है, वेरिएबल एट पोजीशन पर जो भी वैल्यू आई है अगर वो लेस देन वन है, राइट, एंड डॉट पोजीशन और एट पोजीशन प्लस वन, ओके, एट पोजीशन प्लस वन ग्रेटर है डॉट पोजीशन से, ओके, या फिर डॉट पोजीशन प्लस टू ग्रेटर है एक्स की लेंथ से, राइट. अगर इस टाइप की कोई भी कॉम्बिनेशन या इस टाइप का कोई भी वैल्यू रिटर्न होता है तो ईमेल एड्रेस वैलिड नहीं है. तो हम लोग एक अलर्ट जनरेट करेंगे जहां पर हम लिखेंगे कि एक वैलिड ईमेल एड्रेस जनरेट कीजिए, राइट. बिकॉज यहां पर हमें सिर्फ चेक करना है कि एट द रेट और डॉट है या नहीं है, राइट. और एट द रेट और डॉट के बाद में एक कैरेक्टर या दो कैरेक्टर्स है या नहीं, राइट. तो चलिए देखते हैं ईमेल एड्रेस वैलिडेशन कैसे होता है. सो यहाँ पर हमने एक एचटीएमएल पेज बनाया है, ओके, जिसमें हमने एक फॉर्म डेवलप किया है और उस फॉर्म में हमने दो फील्ड्स लिखी है, नेम और ईमेल एड्रेस, ओके, और एक सबमिट बटन है. सबमिट को क्लिक करने पर एक फंक्शन कॉल होता है, वैलिडेट ईमेल, ओके. ये फंक्शन हम लोग स्क्रिप्ट टैग में डिफाइन करेंगे, ओके, और यहाँ पर हम लोग ईमेल के लिए वैलिडेशंस यूज़ कर सकते हैं. ओके, सो यहाँ पर सबसे पहले स्क्रिप्ट टैग में हम एक फंक्शन बनाएंगे, ईमेल फील्ड में यूज़र जो भी वैल्यू एंटर कर रहा है वो हम पहले गेट करेंगे. ओके, तो उसके लिए हम लिखेंगे डॉक्यूमेंट माई फॉर्म डॉट ईमेल डॉट वैल्यू. उसके बाद हम लोग एट द रेट और डॉट की पोजीशंस गेट करेंगे, उसके लिए एक्स डॉट इंडेक्स ऑफ एट द रेट, जहाँ पर भी एट द रेट है उसका इंडेक्स हमें फाइंड करना है. ओके, सिमिलरली एक वेरिएबल लेते हैं डॉट पोजीशन, ओके, उसका भी हम लोग इंडेक्स फाइंड करेंगे. उसके लिए हम लिख सकते हैं लास्ट इंडेक्स ऑफ डॉट, ठीक है. डॉट का जो लास्ट इंडेक्स है वो हमें गेट करना है. ओके, तो यहाँ पर हमने दोनों की पोजीशंस फाइंड करी है, एट द रेट का क्या इंडेक्स है और डॉट का क्या इंडेक्स है. अब हम लोग वैलिडेशन लिख सकते हैं, जैसे कि हम लिखेंगे इफ एट पोजीशन लेस देन वन. ओके, बिकॉज यहाँ पर हम लोग क्राइटेरिया रख रहे हैं कि एट द रेट से पहले और बाद में एटलीस्ट एक कैरेक्टर होना चाहिए. तो सबसे पहले एट द रेट का इंडेक्स जो हमने फाइंड किया है, राइट, उसकी वैल्यू अगर लेस देन वन है, इट मींस अगर सपोज माइनस वन है या माइनस टू है, ओके, अगर इसमें माइनस वन आता है, इट मींस एट द रेट से पहले
कोई वैल्यू नहीं है, कोई कैरेक्टर नहीं है, ओके तो ये चेक हो जाएगा. हमें चेक करना है एट द रेट के पहले एटलीस्ट एक कैरेक्टर होना चाहिए, और एट द रेट के बाद में भी एटलीस्ट एक कैरेक्टर होना चाहिए. तो उसके लिए हम लोग लिख सकते हैं डॉट पोजिशन लेस देन एट पोजिशन प्लस टू. ओके मीन्स एट द रेट के बाद एटलीस्ट एक कैरेक्टर होना चाहिए. तो डॉट पोजिशन के पहले और एट द रेट के बाद का पोजिशंस या कैरेक्टर्स को हम चेक करेंगे. ओके और फिर हम लिख सकते हैं डॉट पोजिशन प्लस टू, क्योंकि हमने जो क्राइटेरिया रखा है वो हमने रखा है कि डॉट पोजिशन के बाद एटलीस्ट दो कैरेक्टर्स होने चाहिए. तो डॉट पोजिशन प्लस टू ग्रेटर देन या इक्वल टू है एक्स डॉट लेंथ के. इनमें से कोई भी सिचुएशन अगर आती है, इट मींस जो ईमेल एड्रेस एंटर है वो वैलिड ईमेल एड्रेस नहीं है, तो हम लोग एक अलर्ट जनरेट करवा देंगे लाइक दिस. ओके अलर्ट प्लीज एंटर अ वैलिड ईमेल एड्रेस और रिटर्न फॉल्स करवा देंगे. सो यहाँ पर हमने ईमेल एड्रेस एंटर करवाया है यूज़र से. ओके और इस ईमेल एड्रेस पर उस डेटा का फॉर्मेट चेक किया है. फॉर्मेट हम हमारे अकॉर्डिंग स्पेसिफाई कर सकते हैं, जैसे कि अगर आपको चाहिए कि ईमेल एड्रेस में एटलीस्ट फर्स्ट कैरेक्टर कैपिटल होना चाहिए. ओके या फिर सिर्फ वही ईमेल एड्रेस वैलिड रहेंगे जिसमें डॉट के बाद com लिखा हुआ है या डॉट के बाद in लिखा हुआ है. सो इस टाइप से हमारे ईमेल एड्रेस का वैलिडेशन हम हमारे अकॉर्डिंग यहाँ पर वैलिडेशन फंक्शन में स्पेसिफाई कर सकते हैं. ओके तो यहाँ पर हमने एट द रेट और डॉट एटलीस्ट उसमें होना चाहिए और उनके पोजीशंस को भी चेक कराया है. जैसे एट द रेट के पहले और बाद में एटलीस्ट एक कैरेक्टर होना चाहिए, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, और डॉट के बाद एटलीस्ट दो कैरेक्टर्स होने चाहिए. सो इनमें से कोई भी सिचुएशन अगर मैच नहीं होती है तो जो ईमेल एड्रेस है वो वैलिड ईमेल एड्रेस नहीं है. तो जब तक ये वैलिडेशन कंप्लीट नहीं होगा, ये एरर रिजॉल्व नहीं होगी, हमारा फॉर्म सर्वर पर सबमिट नहीं होता है. ओके सो इस फॉर्म को रन करके देखते हैं हमें क्या आउटपुट मिलता है. सो पेज को रन करने पर हमें ये आउटपुट मिलता है. ओके यहाँ पर डेटा फॉर्मेट वैलिडेशन का फॉर्म डिस्प्ले है जहाँ पर हमने नेम और ईमेल के फील्ड्स बनाए हैं. ओके और एक बटन है जिसको क्लिक करने पर ईमेल का वैलिडेशन परफॉर्म होता है और उसका फंक्शन हमने स्क्रिप्ट टैग में यहाँ पर लिखा हुआ है. सो नेम के लिए अभी तक हमने कोई भी सेट नहीं किया है, राइट. सो यहाँ पर आप जैसे प्रीवियस एग्जांपल में हमने नेम के लिए वैलिडेशन रखा था कि नेम कांट बी ब्लैंक, वो आप यहाँ पे रख सकते हैं. ओके सो अभी हम एक नेम एंटर करते हैं यहाँ पर. ओके एनीथिंग वैल्यू हम एंटर करेंगे नेम, और अब हम रखते हैं ईमेल एड्रेस. ओके ये लिस्ट शो कर रहा है जो प्रीवियसली फॉर्म रन करने पर कुछ ईमेल एड्रेस एंटर्ड हुए थे. ओके सो यहाँ पर हम लोग ईमेल एड्रेस रखते हैं एट द रेट. ओके और यहाँ पर हमने डॉट यूज़ नहीं किया है और बटन पे सबमिट किया है. ओके तो हमें यहाँ पर एक अलर्ट जनरेट हुआ है प्लीज़ एंटर वैलिड ईमेल एड्रेस. ओके बिकॉज हमने डॉट यूज़ नहीं किया. ओके अब यहाँ पर हम डॉट यूज़ करते हैं और डॉट के बाद हमने एक ही कैरेक्टर रखा है, राइट. और हमारा क्राइटेरिया है कि डॉट के बाद एटलीस्ट दो कैरेक्टर्स होने चाहिए, राइट. तो अगेन हमें एक अलर्ट मिला है. सपोज़ यहाँ पर हम दो कैरेक्टर्स रखते हैं लेकिन एट द रेट से पहले हम कुछ एंटर नहीं करते हैं और सबमिट करेंगे, तो अगेन हमें अलर्ट मिलता है कि वैलिड ईमेल एड्रेस करो, बिकॉज़ यहाँ पर हमने वैलिडेशन रखा है कि एट द रेट से पहले भी एटलीस्ट एक कैरेक्टर होना चाहिए. ओके और एट द रेट के बाद भी एटलीस्ट एक कैरेक्टर होना चाहिए. तो सपोज हम यहाँ पर भी नहीं लिखते हैं, सो अगेन हमें एक एरर मिलता है. ओके सो ये सारे हैं वैलिडेशंस जो हमने किसी भी फील्ड के डेटा पर परफॉर्म किया. ओके तो हम एक वैलिड ईमेल एड्रेस डाल के देखते हैं. ओके एट द रेट से पहले भी कैरेक्टर है, एट द रेट के बाद भी है, और डॉट के बाद दो कैरेक्टर्स हैं जो हम चेक करवा रहे हैं हमारे वैलिडेशन फॉर्म में. ओके और इसको हम सबमिट करेंगे तो फॉर्म हमारा सबमिट हो गया. ओके फॉर्म सबमिट हुआ है और ब्लैंक फॉर्म फिर से हमें डिस्प्ले हुआ है.
So ye hai data format validation in JavaScript. Next lecture mein hum log dekhenge ki JavaScript ko use karke animation kaise kiya jata hai.